हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल। आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे साथ में, मैं एक सीरीज चालू कर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आपको मालूम ही होगा कि मैंने दो वीडियो आ चुकी मेरी टेंथ के ऊपर। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई उन्हें ज़रूर देख लेना। मैं समझा रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था उसके बारे में कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था, चलिए हम उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं कि मैंने सेकेंड वीडियो में क्या समझाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने अफर्मेटिव समझाया था। हम जानते हैं अफर्मेटिव में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। ओके, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं, ऐसे ही एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं लगता है, वो भी ये किस में लगता है, मेन वर्ब में, ये हमने पढ़ा था उसमें। तो ही सी इट और नेम के साथ बनती है हमारी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब डज। और आई वी यू दे के साथ लगती है हमारी डू। और मोर नेम्स हो यानी एक से अधिक नेम हो उनके साथ डू लगती है और एक नाम के साथ डज लगती है, ये हमने उसमें पढ़ा था। तो राम किताब लिखता है तो राम राइट्स ए बुक, क्योंकि एक नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसा आया। राजा पतंग उड़ाता है तो राजा फ्लाइज ए काइट, सिंगुलर नेम है इसलिए वाई हटाते हैं तो आई एस लग जाता है। दे जाते हैं तो दे गो, इसमें आप देख रहे होंगे हमने ऐसे ही एस नहीं लगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमने पढ़ा था। चलिए अब न्यू हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो जिसमें मतलब मेन वर्ब में उसके साथ में नहीं सब्जेक्ट आता है, यानी नो या नॉट या ये वर्ड्स आते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका ऑर्डर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये होती। अब हम इसके देखते हैं टेंसेस। हरी नदी पर नहीं जाता है, नहीं बढ़ा रहा, गायत्री स्कूल नहीं जाते, वे घर नहीं आते, मैं कपड़े नहीं खरीदता, हर वर्ड में नहीं आ रहा है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, हरी, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वन नेम है तो डज नॉट। ओके, मेन वर्ब क्या है, गो, इसमें ई एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नॉट आया है, नॉट के साथ में डू या डज लगता है किसी में से एक, गो ऑन द रिवर। ओके, ये हमारा टेंस चेंज पूरा बन गया। ये है इसमें गायत्री डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये हमारा बन गया। पे घर नहीं जाते यानी प्लूरल आ रहा है, प्लूरल के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, लिखी हुई हमारी डू लगती है, तो दे डू नॉट कम, कम मिस होता है आना, एट होम, ये हमारा बन गया। मैं कपड़े नहीं खरीदता हूँ तो इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट खरीदना बाय क्लॉथ, क्लॉथ क्यों आएगा, बहुत सारे कपड़े यानी कपड़े, कपड़ा नहीं बोला। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या शब्द से कोई भी वाक्य शुरू होता है, इसका ऑर्डर होता है डू या डज, यानी डू या डज पहले आ जाता है, उसमें बीच में लगता है नेगेटिव में इसमें पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वर्ड से शुरू होनी चाहिए कोई भी इसमें। ओके, टेंसेस हम देख रहे थे, क्या, बे, खाना, खाते हैं, इसमें हम लगाएंगे ये क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ता है, क्या राजू गेंद खरीदता है, ये हमारे टेंसेस है। तो क्या है, तो क्या आएगा, दे के साथ में क्या लगती है, टू, तो डू दे खाने को बोलते हैं ईट और खाना फूड, यानी जो खाना हमारा परोसा जाता है उसे फूड बोलते हैं, जो हम खाना यानी खाते हैं उसे ईट बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें क्या आएगा, राजू एक नेम है, डज राजू वाई ए वन क्वेश्चन मार्क, ये बन, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हुआ। अब हम पढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी कैसे,
आदि डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं कहाँ पर? बीच में, आदि डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आते हैं सेंटेंसेस में, उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। ओके, तो आपने ये समझ लिया। अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर इसका होता है, पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी, प्लस हेल्पिंग वर्ब टू या डज में से कुछ एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है ऑर्डर। अब हम देखते हैं वे खाना क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। जैसे ये है तो क्यों वर्ड आया बीच में, तो इसके क्या होते हैं अंग्रेजी, डब्ल्यू एच वाई वाई, डू आएगा, दे है, डू दे, मेक मिस होता है बनाना, मेक ए फूड, ये हमारा बन गया। और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आपने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये हमारे सारे टेंसेस खत्म हो। अब आपको इसी तरीके से और भी टेंसेज आप बना सकते हैं और जैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, जिससे और भी सेंटेंसेस की सीरीज मैं लेकर आऊंगी, जिससे आपको ये सारे टेंसेज मैं कराऊंगी। ओके, बाय बाय।